हजरत ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स के मौके पर यारी रोड और वर्सोवा की तरफ से पहली बार जो है चादर पेश की जा रही है। और ऐसे में बात करें तो इसका जो नेतृत्व है वो एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल के द्वारा किया गया है। जिस तरह से आज लोगों ने उर्स और जुलूस निकाल कर अपनी खुशी जाहिर की है और साथ ही एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई, क्योंकि अजय कौल का नाम आए यानी एकता का ये एक मिसाल आए। जिस तरह से अजय कौल सर हमेशा लोगों को एक धागे में पिरोने का काम करते हैं, आज फिर एक अलग कुछ देखने को मिला, क्योंकि आज उर्स का जो चादर है जिसके लिए लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया और आपको आज यहाँ पर लोग जो है आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। वजह क्या है कि अजय कौल ही क्यों? क्योंकि हमने देखा चाहे कोली समाज का फेस्टिवल हो, चाहे मुस्लिम समाज का फेस्टिवल हो, किसी भी समाज और किसी भी धर्म का हो, अजय कौल ही क्यों? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा और कठिन सवाल है जिसका उत्तर देना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है ये सिर्फ लोगों का प्यार है जो चाहते हैं कि मैं उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहूं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि अजय कौल सर एकता के लिए सभी धर्म सभी समाज के लोग के साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आज जो लगातार लोग भीड़ और लोगों का प्यार अजय कौल सर की तरफ बढ़ रहा है, इसको क्या माना जाए? ये देखिए, मुझे लगता है कि जब लोग निस्वार्थ भावना से लिए काम करते हैं लोगों के लिए, जहाँ पे उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जहाँ किसी का स्वार्थ नहीं। और शायद यही एक कारण है कि लोग जुड़े हुए हैं इतने सालों से मेरे साथ। जिस तरह से एकता मंच की बात करें, अजय कौल सर की बात करें, तो लगभग 1500 से 2000 लोग जो सीनियर सिटीजन हैं वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और जब अजय कौल सर चलते हैं तो युवा हो वृद्ध हो हर कोई साथ में चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब एक वर्सोवा में बदलाव की क्रांति देखने को मिलेगी, एक नया प्रतिनिधि मिलेगा। देखिए, जहाँ तक अजय कौल का संबंध है, अजय कौल हमेशा ए पॉलिटिकल फिगर रहे हैं और लोग किस तरह का बदलाव चाहते हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि अजय कौल और उनका समाज कार्य उसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं। जनता जनार्दन होती है, जनता का फैसला हर किसी को मानना होता है। अगर जनता ने चुन लिया तो फिर अजय कौल का क्या फैसला होगा? देखिए, एक चीज़ है ना, कुछ कुछ चीज़ें इंसान के ऊपर भी होती है। जहाँ सामाजिक कार्य में जहाँ पे ये उम्मीद होती है कि मुझे कुछ पाना है तो सामाजिक कार्य नहीं होता है। और जब मैंने काम सामाजिक कार्य शुरू किया वो बिना किसी उद्देश्य या किसी बिना किसी लालच के किया। आज कितना प्राउड फील हो रहा है जहाँ से आपने स्कूल और की शुरुआत की थी, आज वहाँ पर आज जो है लोग आपके लिए दुआएँ कर रहे हैं, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आज उसी स्थान पर फिर आप पहुँचे हैं। देखिए, मेरे स्कूल की शुरुआत 1981 में हुई और जिस दिन से मैंने स्कूल शुरू किया वो मेरे स्कूल का इतिहास रहा है कि हमने सर्वधर्म समभाव अपने बच्चों में कूट कूट के भरी है। अगर आज भी आप मेरे स्कूल में आएंगे तो आपको हर थर्सडे के दिन सर्वधर्म प्रार्थना सुनाई देगी, क्योंकि ये मेरे बच्चों में मैंने इतने सालों में इनकलकेट किया है कि सर्वधर्म समभाव, क्योंकि जाति धर्म से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी पूरी शिक्षा में यही पाया और सीखा है कि इंसानियत और ह्यूमैनिटी ये सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन जनता जनार्दन का फैसला भी सबसे बड़ा होता है, और जब जनता जिसको चुनेगी वो अलग बात है, वो तो समय बताएगा। लेकिन सिराज इनामदार सर क्या कहेंगे, आज जिस तरह से एक बार फिर एक नई मुहिम और पहली बार जो है ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती के लिए चादर जा रही है, किस तरह से लोगों को दुआएं और किस तरह से लोगों को शुभकामनाएं देंगे? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि एक यहाँ से एक पैगाम जा रहा है कि यहाँ पे हमने अमन शांति और एक ये कायम रखी है, और ये चादर इसकी एक मिसाल बन के वहाँ पर जा रही है। और हम ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज से यही दुआ कर उनसे मांगेंगे कि वो अल्लाह के पास यही दुआ करें कि यही अमन और यही शांति और यही सामाजिक एकता यहाँ पर कायम रहे, और हमको कौल सर के साथ में ऐसे ही काम करने की हमको तौफीक दे दे। जिस तरह से अजय कौल सर की बात करें तो अजय कौल के साथ में आज हर समाज के लोग, हर तबके के लोग जुड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में कंधे से कंधा मिलाकर लोग उनका साथ दे रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वर्सोवा में कोई बदलाव हो सकता है?
इतने बदलाव के बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये तो हम मतलब ये नॉन पॉलिटिकल ये है। और अजय सर यहाँ पे बिना किसी मकसद या बिना किसी स्वार्थ के भावना से ये काम कर रहे, तो हम यही सोचेंगे, यही उनके लिए हम दुआ मांगेंगे कि यही भावना से, यही निस्वार्थ भावना से वो ये काम करते रहेंगे तो समाज अपने आप उनसे जुड़ता रहेगा। उनकी किसी के समाज से या किसी व्यक्ति से उनकी कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी। वो निस्वार्थ भावना से उनकी जब तक हयाती, जब तक जिंदगी रहेगी, वो ऐसे ही काम करते रहेंगे। वो बिल्कुल, जब तक जिंदगी रहेगी, यानी कहते हैं कि मानव सेवा, समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सर, जिस तरीके से अजय कौल सर की बात करें तो हर समाज के लोगों के साथ जुड़ना और हर समाज के फंक्शन में जुड़ना कितना अलग देखते हैं? देखो कैसा है, अजय सर के यहाँ पर तो हर तरह के लोग आते हैं, जैसे हर आदमी उनसे जुड़ना चाहता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं इनसे बहुत दूर था, लेकिन कुछ दिन पहले मैं इनसे इतना जुड़ा हूँ कि अभी मैं रोज़ उनको बगैर देखे जाता नहीं हूँ, मुझे रोज़ उनको देखना होता है, समझे आप। और ये जो प्रोग्राम हमने किया है, जैसे प्रशांत सर की है कि हमने दो दिन ये प्रोग्राम डिसाइड किया और माशाल्लाह पब्लिक ने हमको बहुत साथ दिया है, तो ऐसा ही है कि अजय सर के नाम पे इतने लोग आए हैं और सब जुड़ते रहेंगे, यही हमारी दुआ है। बिल्कुल, प्रशांत सर क्या कहेंगे, अजय कौल सर का जो प्रेम है और जिस तरह से लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, किस तरह से देखते, क्योंकि हर प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर जो सारथी का काम होता है वो प्रशांत काशिद सर करते हैं। नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि जो सर का अच्छा काम है और हर एक समाज जो सर से जुड़ना चाहता है वो अच्छे, उनके अच्छे काम से जुड़ना चाहता है, उनका जो लोगों के साथ संबंध है उस संबंधों से जुड़ना चाहता है। क्योंकि जो उन्होंने, मैं खाली कोविड काल का काम नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोविड में लोगों को जानने का और देखने का मौका मिल गया। उसके पहले सर 40 सालों से सोशल काम कर रहे हैं और लोगों को अपने आप से जोड़ रहे हैं, और उसी के वजह से आप देखिए कोई भी कहीं भी सर का काम हो वो हर एक आदमी सर से जुड़ जाता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से, जैसे सीनियर साहब ने कहा, निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। उसके प्रति उनका कोई लालच नहीं और उनके प्रति उन्होंने कोई चीज़ किसी से मांगा नहीं कि मैं मेरे लिए आप ही किए, वो बस समाज की सेवा कर रहे हैं। और मुझे लगता है ऊपर वाले ने अजय सर को इसी के लिए यहाँ भेजा हुआ है। जिस तरह से हमने जन्मदिन के मौके पर देखा था, सभी समाज के लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम करके अलग अलग तरीके से उनका जन्मदिन मनाए थे, अगर आने वाले समय में जनता ने कुछ अलग फैसला किया तो क्या आप लोग जो है इस फैसले को स्वीकारेंगे? अब तक तो जो सर के साथ चला आ रहा है, जो लोगों ने सर के लिए डिसाइड किया वही हो रहा है, और आगे भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उसको स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से और भी लोग हैं, तारिक भाई क्या कहेंगे, आज उर्स की चादर को आप लोग लेकर पूरे वर्सोवा में घूमे, जिस तरह से पहली बार यहाँ से मौका मिला है आप लोगों को जो है ख्वाजा, जो है हजरत ख्वाजा के पास भेजने के लिए, किस तरह से जो है दुआएं करेंगे? हम लोग तो पहली बात बहुत खुशनसीब है कि मतलब यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर चादर जा रही है, वो भी अजय सर के थ्रू, और खुशनसीब इसके लिए भी है कि हम लोग यारी रोड के मेंबर और अजय सर के साथ जुड़े हुए, जो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, हर किसी को सपोर्ट करते हैं, ना धर्म देखते हैं ना कुछ देखते हैं, कौन आदमी है क्या है कुछ नहीं, अजय सर के यहाँ जो जाएगा उसका काम होना ज़रूरी है। बिल्कुल, अजय सर निस्वार्थ भाव से करते हो, किसी भी समाज का प्रोग्राम हो, किसी भी समुदाय का हो, हर किसी के सुख दुख में सहभागी होने का अजय कौल सर का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी उपलक्ष्य में किसी भी तरह से उसकी मदद हो सके। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।